गांव में ये गुरु शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहता था। गुरु के शिष्यों में एक था जिसको अपने बॉडी स्ट्रेंथ और बुद्धिमत्ता के कारण घमंड था, और बाकी शिष्य उनके कुछ गलतियों के बारे में कहने के बावजूद वह अपने गलतियों को नहीं सुधारता था। उनके घमंड से परेशान हुए बाकी शिष्यों ने गुरु को बात बताया। तब गुरु ने घमंडी शिष्य को बुलाकर बजिंग बी के बारे में कहने लगे कि इस सृष्टि में बजिंग बी जैसा एक बी है जो बहुत बड़ा और स्ट्रांग रहता है। वह इतना स्ट्रांग है कि बड़े बड़े ट्रीज में भी छेद कर सकता है। इतनी स्ट्रांग बीस जब कमल फूलों में बैठकर मकरंद पीना शुरू करते हैं तो उस मकरंद के नशे में वह फूल में ही रहकर और मकरंद पीते हुए रह जाते हैं। सूरज डलने के बाद कमल फूल सिकुड़ जाता है और बजिंग भी उसी में रह जाता है और मर जाता है। अगर बजिंग भी मकरंद के नशे में नहीं डूबते तो फूल सिकुड़ने के पहले ही बाहर आ जाते थे। बड़े बड़े पेड़ को छेद करने वाली बजिंग भी को सिर्फ एडिक्शन और अपने आप पर कंट्रोल नहीं होने के कारण एक कोमल फूल में से बाहर नहीं निकल पाने से मरना पड़ता है। बजिंग भी के बारे में सुनकर गुरु के सभी शिष्य समझ गए कि खुद की बुरी आदतों को और बुरे बिहेवियर को जानकर उसमें सुधार नहीं लाया गया तो हमारी बुद्धिमत्ता या स्ट्रेंथ और खूबिया का कोई फायदा नहीं। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.